अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 ख़त्म करवाया था, 8 करवाने लगा था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन काफ़ी छोटा है, तो मैंने कहा पहले ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन शूट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह 8 और 5 चैप्टर शूट कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सब चैप्टर करवा दूँगा मैं। तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज़ 28 सेंटीमीटर। आपको सवाल में व्हील का डाया गिवन है 28 सेंटीमीटर का, रेडियस आप निकाल लो क्योंकि काम आता रहता है, डायमीटर को आप हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगा। हाउ फार इट वुड ट्रैवल इन 5 रेवोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि व्हील जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 रेवोल्यूशन में। देखो, अगर आपको 9.1 की बेसिक आती हो ना, 9.1 में था, हाँ 9.1 की बेसिक आती हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब व्हील पूरा जो है, जब वो एक रोटेशन फुल, मतलब फुल रेवोल्यूशन अगर रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, मतलब 2πr के बराबर। तो ये डिस्टेंस है व्हील का, जिसको हम आमतौर पर ऐसे शो करते हैं, इन 1 रेवोल्यूशन। अब यहाँ बात की है कि 5 रेवोल्यूशन व्हील ने कवर किए हैं, तो आप इस डिस्टेंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10πr। अब r आपने पहले निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा 10 × 14π, मतलब 140π। तो अगर आप देखो 140π तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये नन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट रेडियन मेजर, आपको रेडियन में एक एंगल गिवन है 4/3π, 2 आर डिग्री मेजर, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, जब भी रेडियन से आपने डिग्री में जाना है तो आप इसको 180 डिवाइडेड बाय पाए से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, आमतौर पर ना ये रेडियन के अंदर ये पाए ऊपर आया हुआ होता है आमतौर पर, जैसे इस फॉर्म में होता है 4π/3, आमतौर पर इस तरीके से आया होता है। तो स्टूडेंट के जहन में होता है कि यार हम क्या करेंगे, 180/π से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब इस फॉर्म में आता है ना, तो स्टूडेंट समझते हैं कि उन्होंने पाए कैंसिल करना है। तो भाई मकसद पाए कैंसिल नहीं करना होता, मकसद होता है कि आपने इससे बस मल्टीप्लाई करना है, चाहे ये पाए ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो, सही है। तो ये कन्फ्यूजन मैंने हल कर दी है कि ये ना हो इस वाले केस में आप पाए बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कि आपके जहन में होगा हमने पाए कैंसिल करना है बस। ठीक है, तो हर सूरत में आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप कैंसिल करो, 3 को इससे कैंसिल करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, पाए को पाए से मल्टीप्लाई करो, पाए स्क्वायर, 60 को 4 से करो, तो ये हो जाएगा 240/π². अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर में आप लिखो 240 ओ, अरे यार 0, मेरे कैलकुलेटर ख़राब है, कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो 240/π² आ रहा है 24.31, और 24, अच्छा 31 है ना, अगर आप राउंड ऑफ करो 7 है ना, तो राउंड ऑफ करोगे 32 हो जाएगा, तो 24.32 ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द सर्किल विद सेंटर ओ हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद रेडियस आर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। देखो, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो बाद में समझेंगे, सेक्टर क्या होता है ये देख लो, कि अगर आपके पास ये सेंटर है ना, आप क्या करो, आप और आपके पास लेट कर लो 2 पॉइंट है सर्किल के ऊपर, ये पॉइंट ए बोल दो और ये पॉइंट बी बोल दो। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 रेडियस बनाओ, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो आपने ये पूरा हिस्सा जो है, इस वाले पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर बेसिकली पाए शेप होता है, अगर आपने पाए का मतलब सिंपल आप ये समझ लो, जो पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा का जब आप स्लाइस काटते हो तो बिल्कुल इसी शेप का होता है वो। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं, और अगर आप सर्किल को कट कर दो तो ये हो जाएगा सेगमेंट, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। तो सर्किल में 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सेगमेंट, कि जब एक कॉर्ड कट करता है सर्किल को तो ये सेगमेंट आपके पास आए, और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है एरिया बिटवीन 2 रेडियस और सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इस सर्कमफेरेंस, सॉरी, इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है r²θ/2, वेयर r क्या होता है रेडियस, और थीटा क्या होता है आपके पास ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे एरिया ही पूछा था उन्होंने, तो एरिया क्या है, r²θ/2 एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 4 में डैश इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स रेडियस। देखो, आपको पता है s बराबर होता है r थीटा के, थीटा बराबर होता है s/r, और आपको याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में थीटा जो था वो रेडियन के अंदर है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था, तो वो थीटा हमने रेडियन के अंदर रखा था।
तो यहाँ पे थीटा मतलब थीटा किसमें रेडियन है, तो डेफिनेशन क्या होगी, रेशो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। सो रेडियन इज़ द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स रेडियस। मतलब अगर लेट कर लो आर्क लेंथ इसकी 2 है और रेडियस जो है 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। थीटा इक्वल टू 2 मतलब 2 रेडियंस, ठीक है। तो रेडियंस की डेफिनेशन क्या होती है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। 5 में आज लिखा हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट डस आपका एक थीटा लाए कर रहा है, इफ़ कॉस थीटा लेस देन 0। कॉस थीटा लेस देन 0 का मतलब है कॉस नेगेटिव है, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है। देखो साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कॉस भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट, याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इस टेक्निक को आपने याद रखना है, क्या होता है, ऑल साइन टेंजेंट कॉस, ठीक है। इसकी अगर आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हो तो ये होता है ASTAC। इसको आप इस तरह याद कर लो, अ स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही बना लो, अ स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास। बहरहाल जिस तरह आपने याद करना है आप कर लो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। 7 में लिखा हुआ है, इफ़ आर्क लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंट्रल एंगल। अच्छा, ये सेंट्रल एंगल यही होता है जो सेंटर पे बन रहा होता है। तो फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा अगर आपने फाइंड करना है, थीटा बराबर है एस ओवर आर। आर्क लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5, तो थीटा क्या आ जाएगा, 4, और मैंने बताया यूनिट रेडियन होता है इसका। पेपर में वो आपको घुमा सकते हैं, मे बी 4 रेडियन के साथ उन्होंने लिखा हो 4 डिग्री, तो याद रखना यहाँ से जो थीटा आता है वो रेडियन के अंदर आ रहा होता है, सही है।